नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिक्स एक्सपर्ट चैनल पे। मैं गौरव कुमार, आज आप सभी को इस वीडियो में बोया की BY-M1 माइक के बारे में कुछ बातें बताऊंगा कि बोया B1 माइक आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कहाँ पे लेना चाहिए, और सबसे चीपेस्ट प्राइस पे आपको ये माइक कहाँ पे मिलेगी, और इस माइक की क्या खासियत है, इस माइक से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अभी जो मैं यहाँ पे माइक लगाए हुए हूँ, ये आपको जो माइक दिख रहा है ये बोया की BY-M1 माइक है। इसकी वायर अच्छी खासी लंबी है, करीबन 6 फीट के आसपास, 60 मीटर के आसपास लंबी है, तो इससे आप अच्छा दूर तक कवर कर सकते हैं, इंडोर और आउटडोर दोनों में आप कवर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें 3.1 मिनट में आपको दिखा दूँ, इसमें जो है आपको 3.5 mm की जैक मिलती है, और इस जैक से आप बड़ी आसानी से अपने स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, DSLRs में कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी है, अगर आपको 6.5 mm की जैक चाहिए तो इसके साथ में आपको मिलती है, जिससे आप एम्पलीफायर में इसे यूज़ कर पाएंगे। इससे बोया B1 माइक की खासियत ये है BY-M1 माइक की कि आप इसे बड़ी आसानी से स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे कंडेंसर दिया हुआ है नॉइस रिमूवल के लिए, नॉइस नहीं है उसके लिए यहाँ पे एक फिल्टर है, इससे भी आपको नॉइस काफ़ी कम होता है। अगर आप रिकॉर्डिंग इंडोर में कर रहे हैं गाने के लिए या फिर इंटरव्यूज के लिए, अगर आपका फैन ऑन रहेगा तो भी आपको अच्छा खासा क्वालिटी मिलता है साउंड का। और रही दूसरी बात इसको परचेज करने की, अगर आप इंडिया में इसे परचेज कर रहे हैं तो अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं, करीबन 1 सप्ताह के अंदर आपको ये माइक वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आपके पास समय थोड़ा ज़्यादा है, पैसे कम खर्च करने चाहते हैं, तो फिर आप इसे अमेज़ॉन से परचेज ना करके इसे, मैं आपको एक और वेबसाइट बता रहा हूँ, वहाँ से परचेज कीजिए जहाँ से मैंने परचेज किया है। वो वेबसाइट दरअसल इंटरनेशनली ई कॉमर्स सर्विस रन करती है, वो भारत की वेबसाइट नहीं, भारतीय कंपनी नहीं है। तो अगर आप इसे अमेजोन पे लेते हैं तो इसकी कीमत आपको 2400 के आसपास पड़ती है, लेकिन मैंने इसे मात्र 1300 समथिंग में लिया है शिपिंग चार्ज मिला के। तो मैंने इसे जो परचेज किया है वो किया है tomtop.com से। जब स्पेलिंग की मैं बात करूँगा तो tomtop.com tomtop.com पे आप जाएंगे, वहाँ सर्च करिए BY-M1 बोया माइक, तो आपको ये माइक मिल जाएगा। कई सारे माइक आपको बोया की मिलेगी, बोया एक प्रोफेशनल कंपनी है, एक माइक के लिए बेस्ट कंपनी मानी जाती है, वैसे तो रॉड है और कई सारे कंपनीज हैं, लेकिन इसके भी आप परचेज कर सकते हैं, एक अच्छा खासा बजट में आपको ये मिल रहा है। वैसे तो और कई सारे माइक्स मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको 1000 समथिंग रुपीज़ पे करनी पड़ेगी, जो कि अच्छी खासी कीमत लग रही है, लेकिन क्वालिटी भी इसकी अच्छी खासी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे वहाँ से यूज़ करें, और दूसरी बात इसे आप मोबाइल में आसानी से हैंड फ्रीली नॉर्मली बिना कुछ किए इजीली यूज़ कर सकेंगे। रही बात लैपटॉप की, तो लैपटॉप के लिए आपको एक साउंड कार्ड या फिर आपके लैपटॉप में एक जैक लगाना पड़ेगा, जिसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक माइक के लिए, दूसरा हेडफोन के लिए। उस जैक में अगर आप लगा के यूज़ करेंगे तो फिर आप इसे लैपटॉप में यूज़ कर पाएंगे, DSLR में सिंपली माइक्रोफोन पोर्ट पर आप इसे लगा के यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी आवाज़ की मैं बात करूँ तो इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी, काफ़ी क्वालिटी वाली आवाज़ है। मैं आगे की एक वीडियो में ज़रूर माइक टेस्ट करूँगा, उसमें मैं आपको आवाज़ बताऊँगा रिकॉर्ड करके कि आवाज़ क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, इंडोर में, आउटडोर में, और अदर आपके DSLR के कंपेरिजन में, और आपके लैपटॉप के कंपेरिजन में, और आपके मोबाइल के कंपेरिजन में इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, तो आगे की वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर आप ये माइक खरीदना चाह रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप tomtop.com से ले लें, 1300 समथिंग रुपीज़ में आपको ये माइक मिल जाएगी, नहीं तो अमेज़ॉन से आप इंडिया में लेना चाह रहे हैं तो 2000 समथिंग रुपीज़ मिल जाएगी। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है आपके यूजफुल होगा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर लिखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल ट्रिक्स एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर सब्सक्राइब पर क्लिक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो आप चाहते हैं हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को चाहते हैं तो बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दें। हम फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।